तो हेलो गाइस, स्वागत है नई वीडियो में। तो आज की गाइस वेब सीरीज़ है जो उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में गाइस हमें एक साइंटिस्ट देखने को मिलेगा जो कि एक दवाई, ऐसी दवाई बना लेता है जिससे लव को कंट्रोल किया जा सके। उसकी गाइस जो स्टूडेंट होती है वो रेणुका होती है, वो उसे कॉल करता है। एंड रेणुका की माँ का किरदार हमें राशि वर्मा जो है उसमें देखने को मिलेगा। तो राशि वर्मा प्लम्बर के पास खड़ी होती है, तभी गाइस उसको कॉल आ जाता है रेणुका को। वो बोलता है कि मैंने एक ऐसी दवाई बना ली है जिससे हम लव को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड रेणुका भागती चभी उस लैब में चाहती है, तो वो बोलता है कि मैंने सरकार के लिए इससे अप्रूवल ले लिया तो, एंड मुझे नोबल प्राइज़ भी चाहिए। दरअसल उसे मतलब ये दवाई ह्यूमन पे टेस्ट करने के लिए ये सब सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। तो गाइस वो जब अपनी रेणुका अपनी सहेली के साथ शाम को बैठी होती है, वो बोलती है कि ये सब मेरे जो प्रोफेसर है उसने ये सब एक दवाई बनाई है। तो वो पहले बोलती है कि ऐसी दवाई को बना नहीं सकता, लेकिन उसके बोलने पर वो मान जाती है। एंड उसी प्रोफेसर का लड़का वहाँ पार्क में भी घूमने आया होता है। वो बोलती है कि सबसे पहले दवाई तो मैं पर ही ट्राई करूंगी। एंड रेणुका को फिर से अगले दिन कॉल आ जाता है उस प्रोफेसर का। वो लैब में जाती है, लैब में जब जाती है तब वो प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, वो नाराज़ होता है। वो बोलता है कि सरकार मेरी बात नहीं मानी, उसने मेरे को वो नहीं दिया परमिशन जो कि मतलब ह्यूमन पर अप्रूवल करना था। तो गाइस इसके बाद हमें देखने को मिलेगा जो कि रेणुका से मतलब वो बातचीत करता है। तो रेणुका बोलती है कि मैं एक लड़के पे इसे ट्राई करूँगी। तो वो उससे दवाई का सैंपल लेके आ जाती है एंड वो उसके लड़के पर ही उसे टेस्ट करने की कोशिश करती है। वो उसे रास्ते में मिल भी जाता है। एंड जब वो बोलती है कि गाइस तुम्हें मतलब मुझे घर पे ड्रॉप कर दो, वो घर पे ड्रॉप करने उसे आ भी जाता है। एंड घर पे गाइस वो मतलब जो दवाई होती है उसे टीका लगा के गुलाब जामुन के बीच में खिलाना पड़ता है, मतलब गुलाब जामुन उसको खिलाना पड़ता है जिस पे दवाई का टेस्ट करना है। तो वो गुलाब जामुन लेके आ जाती है एंड उस पे टेस्ट भी कर लेती है। एंड वो लड़का वहाँ पे बेहोश हो जाता है। रेणुका जब नहाने चली जाती है तो उसकी मम्मी वहाँ पे आ जाती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है उसकी मम्मी उसको देख के, जिसमें हमें राशि वर्मा देखने को मिलेगी। वो उसे उठाने लगती है, जैसे ही भी उठता है गाइस उस पर दवाई का असर स्टार्ट हो जाता है। एंड हमें इन दोनों के इंटीमिडिएट सीन देखने को मिलेगा क्योंकि ये दवाई भी इसी चीज़ के लिए बनाई होती है। इसके बाद जब रेणुका आती है एंड वो पहले तो उसे हॉल में देखती है, उसके बाद वो सीधे अपनी मॉम के कमरे में जाते देख लेती है और उन्हें पकड़ लेती है। हालांकि उनको वो छुड़ाती नहीं, उनको कुछ बताती नहीं, वो बाहर आके मतलब सोचने लग जाती है और किस्मत को कोसने लग जाती है कि मैंने ये दवाई क्यों दी। इसी के साथ गाइस वेब सीरीज़ का एंडिंग सीन देखने को मिलेगा। वेब सीरीज़ का नाम है गाइस, जैसे कि इसकी मतलब दवाई का वो गुलाब जामुन का सीन है, तो वेब सीरीज़ का नाम भी गाइस गुलाब जामुन। एंड इसमें मेन बात है तो राशि वर्मा है। राशि वर्मा की कितनी पॉपुलैरिटी है, उसकी मतलब कितनी फ़ैन फॉलोइंग है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी राशि वर्मा के फ़ैन है तो इस वेब सीरीज़ को ज़रूर देखना। मतलब छोटी वेब सीरीज़ है गाइस, आधे घंटे की वेब सीरीज़, में अच्छी स्टोरी है एंड सीन्स भी हैं, आप इसे जाके देख सकते हैं गाइस। कुकू ऐप एंड मानता हूँ ये कुकू वाले बहुत ही ज़्यादा लेट आए हैं, लेकिन ढंग का कंटेंट लाए हैं। ये बात की मेरे को खुशी है कि कुकू वाले जब आए हैं अच्छा कंटेंट लेके आए हैं। आई होप कि ये आगे भी कंटेंट लाते रहे हों, हमें इंटरटेन करते रहे, जैसे कि उल्लू कर रहा है। उल्लू बहुत ही ज़्यादा अच्छी वेब सीरीज़ ला रहा है। मैं चाहता हूँ कि कुकू भी पहले की तरह अपने पहले वाले ट्रैक पर आ जाए। और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए कर दो गाइस हमारा चैनल सब्सक्राइब। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।